नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बड़ी खबर हाजीपुर से आ रही है, जहां पर एक बार फिर नाव हादसा हुआ है। जी आपको बता दें कि निर्माणाधीन 6 लेन पुल में जाकर नाव टकरा गई, और जिसके बाद इस बड़े हादसे की खबर जो है वो आ रही है। और आपको बता दें कि 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं इस नाव हादसे की खबर में। फिलहाल टीम जो है, NDRF की टीम जो है वो मौके पर पहुंची है और खोजबीन जो है वो जारी है। हाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हाजीपुर से आ रही है, यहाँ पर एक नाव जो है वो गंगा नदी में डूब गई है, जिसमें 2 व्यक्ति लापता बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक नाव पर करीब 150 बोरा भांग और कुछ अवैध सामान लदा हुआ था। ये हादसा राघोपुर के कच्ची दरगाह बिंदुपुर में निर्माणाधीन 6 लेन पुल के पाया नंबर 55 के पास हुआ है। NDRF की टीम जो है लापता व्यक्तियों की तलाश कर रही है। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, मिली जानकारी के मुताबिक रुस्तमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कच्ची दरगाह बिंदुपुर निर्माणाधीन 6 लेन पाया नंबर 55 से टकरा गई एक नाव और नदी में समा गई है। इस हादसे में नाव पर सवार 2 व्यक्ति लापता बताए जा रहे हैं। घटना बीते रात करीब 11:30 की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही नदी किनारे स्थानीय लोग जुट गए। लोगों ने घटना की जानकारी रुस्तमपुर थाने की पुलिस पदाधिकारी और SDRF की टीम को दी। बताया जा रहा है कि वैशाली जिले के रुस्तमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निर्माणाधीन 6 लेन पुल के पाया नंबर 55 से अनियंत्रित होकर नाव टकरा गई और गंगा नदी में समा गई। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल हो गया। नाव पर सवार नाविक समेत 3 व्यक्ति किसी तरह से नदी से निकल पाए हैं, तो वहीं 2 व्यक्ति जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। लापता व्यक्ति की नदी में खोजबीन जो है वो जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पटना जिला अंतर्गत काला दियारा के नाविक नाव पर करीब 150 बोरा भांग लोड करके गंगा ब्रिज थाना अंतर्गत तेरसिया पंचायत लेकर जा रहे थे। इसी दौरान 6 लेन पाया नंबर 55 से टकरा गई और नदी में ये नाव जो है वो समा गई है। नाव पर सवार 5 व्यक्ति में करीब 3 व्यक्ति किसी तरह बाहर निकल पाए हैं, वहीं 2 व्यक्ति लापता बताए जा रहे हैं। लापता व्यक्ति गंगा ब्रिज थाना अंतर्गत तेरसिया पंचायत निवासी अवधेश राय और राकेश कुमार बताया जा रहा है। स्थानीय गोताखोर और SDRF की टीम की सहयोग से नदी में लापता व्यक्ति की खोजबीन जो है वो की जा रही है। घटना बीती रात की बताई जा रही है। इधर इस घटना को लेकर रुस्तमपुर थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि नाव डूबने की सूचना मिलते ही मौके पर सभी अधिकारी पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि 2 व्यक्ति लापता बताया गया है। गोताखोर की मदद से फिलहाल खोजबीन जो है वो जारी है। और आपको बता दें कि नाव हादसे की ये घटना पहली नहीं है, इसके पहले भी कई बार नाव हादसे की खबर जो है वो हमने आपको बताई है। और आपको बता दें कि इस दरमियां कई बार नाव हादसे की खबर सामने आई है और कई बार ऐसे लोग जो हैं वो नदी में समा गए हैं, खोजबीन जारी की गई, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया। खोजबीन जारी है। उसके बाद एक बार फिर जो है हाजीपुर से इस नाव हादसे की खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि मौसम विभाग ने भी लगातार अलर्ट जारी किया है, गंगा नदी जो है वो उफान पर है। इस दरमियान नाव हादसे का जो सिलसिला है वो इस बीच लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर जो है वो हाजीपुर से आ रही है कि 6 लेन निर्माणाधीन पुल से ये नाव टकरा गई और उसके बाद इस बड़े हादसे की खबर जो है वो आ रही है। आपको बता दें कि 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, उसकी जो खोजबीन जो है वो लगातार जारी है। क्या कुछ तस्वीरें बदलती है उससे भी हम आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल जुड़े रहें NBC 24 पर।